मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे सादे विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके साथ हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था, याद है कि नहीं? याद है, मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है। और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। याद करना किसान भाइयों, आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा था। किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी थी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भरने देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। ये काले कानून तो चले गए हैं,
लेकिन अभी हमारे किसानों को जो उनका हक जो अधिकार मिलना चाहिए था वो सरकार ने नहीं दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। न केवल खुशहाल बनाएंगे उन्हें, बल्कि उनकी पैदावार से लेकर के अगर हमें किसी भी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपने किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये नौजवान अभी भूले नहीं है पेपर लीक। क्या आप लोग पेपर लीक भूल गए? कोई परीक्षा इस सरकार में हुई, सब परीक्षाएं रद्द हो गईं और लीक के बाद लीक हुए पेपर सब पेपर लीक करा दिए। कोई एक पेपर लीक नहीं कराया, 10 से ज्यादा पेपर लीक कराए। और ये पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के कराए और इसलिए कराए कि उन्हें नौकरी ना देनी पड़ जाए। मैं नौजवानों से कह करके जा रहा हूं, ये केवल आपके नौकरियों से खिलवाड़ नहीं किए इन्होंने, इन्होंने आपके भविष्य और एक तिहाई जीवन से खिलवाड़ की है। इसलिए जहां किसान तैयार है वहीं हमारा नौजवान भी तैयार है। आप तैयार हो कि नहीं हो? तैयारी से इनका मुकाबला करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सम्मान का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो अधूरी नौकरियां पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं नौकरियां सरकार की, सब नौकरियां भर करके इन नौजवानों को सम्मान का रोजगार और नौकरी देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए आपसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 4 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, और जब से 4 चुनाव खत्म हुए चरणों के, बताओ भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। बताओ इनका रथ धस गया, फंस गया कि नहीं? और जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? और सही मायने में जनता जानती है 400 पार का मतलब हुआ। ये 400 पार जो नारा दे रहे थे, ये भूल गए नारा के नहीं? और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं, 400 पार इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। ये जो 400 पार वाला नारा दे रहे थे वो 400 के बाद जितनी सीटें हैं उतनी जीतने की बात कह रहे थे। अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 400 हटा दोगे तो कितनी सीटें बची? 143। लेकिन देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। बताओ ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? ये संविधान बदल करके हमारे आपके हक को छीनना चाहते हैं, ये हमारे आपके अधिकारों को छीनना चाहते हैं। जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं उन्हें बताओ बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? बदलोगे कि नहीं?
आप लोग घबरा तो नहीं जाओगे, डर तो नहीं जाओगे, अपने बूथ पे तो पहुंच जाओगे ना। सोचिए कभी हमारे साथियों, आपने कभी सोचा कि जो इन्हें सबसे बुरे लगते थे लोग, कभी सोचना जाकर के बीजेपी वालों को जो लोग सबसे बुरे दिखते थे, आज बताओ उनसे झुक करके सहयोग और मदद मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? ये हमारे पिछड़े समाज के लोग क्या पिछड़े रह जाओगे? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा है समझ में सब कुछ के नहीं आ रहा है? बताओ बीजेपी वालों ने कितना बदनाम किया था समाजवादियों को, याद है कि नहीं याद है? और आज उनके सामने ये झुक गए कि नहीं झुक गए? क्या मुझे नाम लेना पड़ेगा कि जिनके सामने झुक गए ये? आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हमारे विधायक थे उनके सामने झुक गए कि नहीं झुक गए? बताओ उन्हें झूठा फंसाया कि नहीं फंसाया? उन्हें झूठा फंसाया, और आज जब खुद फंस गए तो जाकर के उनके सामने झुक गए जाकर के। बताओ झूठा फंसाया, और आज जब खुद फंस गए, जब खुद फंस गए तो बताओ झुक गए कि नहीं झुक गए? और दूसरा आदमी तो बड़ा कमाल का है, एक और है जो हाल में हमें धोखा देके गया है, उसे पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? समाजवादियों पहचानते हो जिसने अभी हाल में धोखा दिया? सुना है जब से धोखा दिया है नई नई गाड़ी आ गई है, पहले धोखा दिया था तब भी नई गाड़ी आ गई थी, और अभी मैंने लखनऊ में देखा था धोखा देने वाले लोग एक गाड़ी में बैठ करके फ्लैट देखने गए थे अंधेरी रात में। बात समझ गए कौन है, कौन है? पहले भी गाड़ी ली और फिर गाड़ी ले ली, और ये तो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, हम और आपको तो करते ही हैं परेशान, लेकिन ये जानवर और पंछी को भी परेशान करते हैं। बताओ आपको अपने खेतों पे रखवाली करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही है? और खेतों की रखवाली के लिए देश के क्यूटो के सांसद जी ने कहा था, क्यूटो जानते हो कौन सा शहर है? काशी का नाम नया क्यूटो। उन्होंने कहा था कि ये खुला जानवर की समस्या की समाधान हो जाएगा। बताओ हर दिन जान जा रही कि नहीं जा रही है? न केवल जान जा रही है बल्कि हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और एक हमारे साथी ने सारस से दोस्ती कर ली थी। सोचो हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग जितना इंसान से प्यार करते हैं उतना ही पेड़ पंछियों से भी प्यार करते हैं। बताओ सारस से दोस्ती कर ली, बताओ उसे पकड़ करके ले गई कि नहीं ले गई? ये लोग इन्होंने परेशान किया था कि नहीं किया था? इसलिए इनको सजा देने का काम करना, और सजा इसलिए भी देना कि इन्होंने बोरी से चोरी की है। बोरी सी की चोरी याद है आपको? पहले कितने किलो चोरी की और आज कितने किलो चोरी हो गई? ये बीजेपी वाले आ गए तो आपको खाद भी नैनो यूरिया की तरह पाउच में खरीदनी पड़ेगी।
इसलिए किसान भाइयों सावधान हो कि नहीं हो, सावधान हो कि नहीं हो, इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, मैं आपसे अपील करने आया हूं, मैं आपसे अपने एक एक समाजवादी साथी से, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम अपने समाजवादी साथियों से भी अपील करने आए हैं, जो मैं दूर तक देख रहा हूं दोपहरी में गमछा सर पे रख करके खड़े हुए लोग हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे, इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताओगे? ये बूथ लूटें और नोट का धोखा दें तो घबराओगे तो नहीं ना? इस बार सिलेंडर वाले भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? और जो झूठ बोल करके आपको जा रहे हैं उन्हें विदा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? इसलिए अपने सभी समाजवादी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है, संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, अपने किसान माताएं बहने नौजवानों को सम्मान दिलाने का चुनाव है, इसमें आप लोग मदद करना, मदद करोगे सब लोग? ये मान लूं कि केएल शर्मा जी वोटों से जीत के जा रहे हैं, लाखों वोटों से जीतेंगे? महंगाई याद रखोगे? खाद की बोरी की चोरी याद रखोगे? बताओ आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई है, पहले कितने की आती थी मोटरसाइकिल, पहले कितने की मोटरसाइकिल आती थी और आज कितने की आ रही है? महंगा कर दिया कि नहीं कर दी? बताओ हमारी 1000 रुपए की साइकिल आती थी, बताओ आज कितने रुपए की हो गई? साइकिल महंगी हो गई कि नहीं? महंगाई याद रखना, बेरोजगारी याद रखना, इन्होंने अमेठी का नाम डुबाया है और यहां लोग बैठे लोग अमेठी का नाम सम्मान को लेकर के सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, और हम आपको भरोसा दिलाते जा रहे हैं जो कारखाने लगे हैं कभी उनको हम लोग मिलकर के आने वाली सरकार में कारखानों को चलवा करके अपने नौजवानों को सम्मान का रोजगार दिलाने का काम करेंगे, जहां सरकारी नौकरी मिलेंगी सम्मान का रोजगार भी मिलेगा, और ये जो अग्निवीर वाली व्यवस्था है ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और अपने खाकी वर्दी वालों से भी कह के जा रहा हूं ये अग्निवीर व्यवस्था तो खत्म होगी, लेकिन अपने खाकी पहनने वाले वर्दी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले आ गए तो आपकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, अभी तो फौज की नौकरी की है, खाकी वाले भाई भाइयों की भी नौकरी हो जाएगी, इसलिए जहां आप सावधान हो इनको भी हम सावधान करने आए हैं, इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना और अपने बूथ की रक्षा करने का काम करना, बूथ की रक्षा करोगे? ये नंद गांव नंद महल ये हमारे लिए नया नहीं है, मुझे याद है यहां पर बहुत सारे पुराने समाजवादी होंगे जिन्होंने साइकिल तो चलाई चलाई थी, और उस टूटी सड़क पे हमसे भी साइकिल चलवा दी थी, याद है कि नहीं याद है? और ये अमेठी के विकास के लिए जितना कर सकती थी कांग्रेस पार्टी किया, और संस्थाओं से लेकर के कारखाने और कारखाने से लेकर के सैन्य स्कूल से लेकर के विद्यालय अगर किसी ने चलाए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शुरू कर करके आपके जीवन को बदलने का काम किया है, इसलिए मदद करना सहयोग करना, यही मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिलेश यादव जी।
एक बार जोर से नारा लगाइए, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब हम